हेलो दोस्तों, वेलकम टू अटायरेशन। गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप सभी अपना ध्यान रखें और साथ ही अपनी स्किन का भी, ताकि आप हमेशा चमकते रहें। ये बहुत चीज़ी हो गया ना, पर खैर, अपना और अपने आसपास सभी का ध्यान रखें। इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अरे, मैंने ये तो बताया ही नहीं हम आज क्या शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा पास आइए, क्योंकि ये एक राज है। आज हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स के बारे में देखेंगे जो हमें एज ए क्लोथ 3D डिज़ाइनर और बाकी सभी 3D डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से इनके बारे में जानते हैं, ताकि फ्यूचर में आप सभी इनका यूज़ कर सकें। जितनी भी साइट्स की बात करने वाले हैं, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उन साइट्स तक पहुंच सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कनेक्ट क्लोज सेट की। ये जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं क्लो 3D, उसी ने प्रोवाइड किया है हमारे लिए ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप साइड में एक ऑप्शन देख सकते हैं स्टोर के नाम से, जहाँ पे आपको काफी चीजें डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। पर फिलहाल हम फैब्रिक की बात करेंगे। आपको यहाँ पे पेड, फ्री और केवल देखने वाले फैब्रिक्स के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और साथ ही आप यहाँ पे अपनी प्राइस रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे फैब्रिक प्रॉपर्टीज भी दी गई हैं। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक फैब्रिक चाहिए जिसमें स्ट्रेचेबिलिटी होनी चाहिए, वो वुवन होना चाहिए, नॉन वुवन होना चाहिए, इस तरह के कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड वे में इसको बनाया गया है, तो आप इसे काफ़ी आराम से यूज़ कर पाएंगे। और फिर जब आपको आपके मन की चीज़ मिल जाए, मन मुताबिक की चीज़ मिल जाए, तो इसे आप अपने कार्ट में सिंपली ऐड कर लीजिए और इसे किसी शॉपिंग साइट की तरह यूज़ कीजिए। हम इस आइटम को कार्ट में ऐड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम फ्री वाला आइटम किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट, और फिर अपने कार्ट में जाकर यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई कूपन है तो वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये फ्री आइटम है, तो इस पे हमें कोई कूपन लगाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी। और फिर यहाँ साइड में से कोई सा भी पेमेंट मोड सिलेक्ट करके आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे किसी भी कंपैटिबल सॉफ्टवेयर में ओपन कर सकते हैं और फिर अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की, और वो है पॉलीगन। यहाँ पे आपको फैब्रिक्स और बाकी चीज़ों को डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इस साइट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से अपनी फाइल का रिजोल्यूशन भी डिसाइड कर सकते हैं। एक एवरेज फाइल का रिजोल्यूशन 4K होता है, पर आप 8K डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या फ़र्क आता है। और यहाँ नीचे की तरफ अगर आप वर्क फ्लो में मेटल लेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो आपको अपने मैप्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मतलब आपको जो जो मैप चाहिए हो, आप केवल और केवल उन पर टिक कर सकते हैं, जिससे आपका इररिलेवेंट स्पेस ना भरे। ये सब करने के बाद आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने साइन इन नहीं किया है तो पहले साइन इन कीजिए, और इसके बाद फिर इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट साइट है एम्बिएंट CG। तो अगर आपको पिछली दो साइट से आपकी मन मुताबिक का फैब्रिक या कोई और चीज ना मिली हो, तो आप इस साइट का यूज कर लीजिए। ये जिप फाइल सेव करता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर भी अपने टेक्सचर का रिजोल्यूशन डिसाइड कर सकते हैं। पर आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है कि आपकी फाइल टाइप क्या होगी। मतलब उस जिप के अंदर जो फाइल होगी वो JPG फॉर्म में होनी चाहिए या PNG फॉर्म में, तो वो चीज आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कीजिए और अपने प्रोजेक्ट में इसको यूज कीजिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट साइट है क्विकसेल। यहाँ पर काफी फैंसी और साथ ही साथ अप हॉलस्ट्री के फैब्रिक्स भी आपको मिल जाएंगे। इस साइट के ऑप्शंस भी मुझे काफी अच्छे लगते हैं, पर आपको इसको यूज करने से पहले इसमें साइन इन करना होगा, और फिर आपको जो चीज भी डाउनलोड करनी हो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट साइट है शेयर टेक्सचर।
इसकी शुरुआत में कैमोफ्लाज के काफी सारे प्रिंट्स दिए हुए हैं, तो आप ये सोच के डर मत जाइएगा कि यहाँ पे तो केवल यही प्रिंट है। आप इसमें थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको और वैरायटी भी दिखाई देने लग जाएगी जो आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको काम आ सकती है। यहाँ पे उन फाइल्स को डाउनलोड करने से पहले उनका एक प्रीव्यू आपको मिल जाता है और साथ ही साथ उनका नाम भी स्पेसिफाइड होता है कि कौन सी फाइल किस एरिया में यूज होगी। अगर वो नॉर्मल मैप है तो उसके साथ नॉर्मल मैप लिखा होगा, डिस्प्लेसमेंट मैप है तो डिस्प्लेसमेंट मैप। तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी कि ये कौन सी फाइल है और कहाँ मुझे यूज करनी है। यहाँ पे एक और चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि अगर आप अपने पीसी और लैपटॉप में इन फाइल्स को डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप इसे डायरेक्टली अपने गूगल ड्राइव में ट्रांसफर कर सकते हैं जहाँ पे ये सेव रहेगी और साथ ही साथ सेफ भी। इसके बाद हमारी आखिरी साइट है पॉली हेवन। सच कहूं तो फैब्रिक्स के लिए ये हेल है क्योंकि यहाँ पे फैब्रिक्स के नाम पे केवल और केवल 11 फैब्रिक्स हैं, पर इसके अलावा यहाँ पे आपको और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक फैब्रिक दिखाती हूँ, उसका 3D टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। तो आप यहाँ से फाइल फॉर्मेट और बाकी सारे रिजोल्यूशन सेट कीजिए और फिर इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो एक रेगुलर फैब्रिक के लिए ना सही, पर कुछ डिफरेंट क्रिएट करने के लिए ये आपकी मदद जरूर कर सकता है। आखिर में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि इन सभी साइट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इन साइट्स तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि ये साइट बेटर है या वो साइट बेटर है। मैंने आपको कई सारे ऑप्शंस बताए हैं और हर साइट्स पे उनके अकॉर्डिंग एक डिफरेंट सैम्पल्स मिल जाते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स मिल जाती है आपको। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्च कीजिए और जो फैब्रिक आपको जहाँ से अच्छा लगता है आप उसको यूज कर लीजिए, क्योंकि एक अच्छे डिजाइन के बाद उसका फैब्रिक ही तो है जो उसमें जान डालता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी मिले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जरूर जुड़िएगा जिससे आप अपने सहपाठियों से भी बात कर सकें। और कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।